Alappuzha means home for water. Popularly known as Alappi, a town of canals, backwaters, beaches and lagoons, it is rightly Venice of the East. सुबह सुबह मेन सिटी के बीच की छोटी सी कैनाल से शुरू हो जाता है एलेपी बैक वाटर्स का रास्ता और हमारी छोटी सी क्यूट सी बोट कॉस्टेड मी अराउंड 1300 फॉर 2 आवर्स। कैनाल के खत्म होते ही सामने जो नज़ारा उभरा वो बहुत ही मेस्मराइजिंग था। दोनों तरफ नारियल के हरे भरे पेड़, आसमान में उड़ान भरते चिड़ियों का झुंड और साफ पानी में धीरे धीरे बढ़ती मेरी बोट। प्यारा सा पानी है, हवा ब्रीज बहुत अच्छी है, बहुत रॉयल वाली फीलिंग है ये एंड बहुत ही रोमांटिक भी है। सो एक गाना है जो वैसे तो कश्मीर के शिकारे में पिक्चराइज्ड है लेकिन बहुत पिक्चर परफेक्ट टाइप का लग रहा है यहाँ की सेटिंग के लिए, तो आपके लिए पेश है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने अलेपी बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने शिकारा बनाया। यो इतना खूबसूरत नज़ारा चारों तरफ कि समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर देखूं। लगता था जैसे एक तरफ देखूंगी तो दूसरी तरफ कुछ छूट जाएगा। अपने में प्रकृति की इतनी सुंदरता समेटे बैक वाटर्स अपने दोनों तरफ रह रही आबादी के लिए न सिर्फ लाइफ लाइन है, उनकी लाइवलीहुड का सोर्स भी है। लेक के चैनल्स के दोनों तरफ आपको बैक वाटर स्पेशल रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे जो आपको फ्रेश प्रॉन और क्रैब सर्व करते हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए हैं फ्रेश नारियल पानी का इंतज़ाम बहुत ही परफेक्ट नेचुरल सेटिंग में। How cool is that? अब ना राइड करते करते, शिकारा का राइड करते करते, यू कैन टेक अ स्टॉप, हैव फ्रेश वाला नारियल पानी एंड यहाँ पे हैमक लगा हुआ है, यू कैन टेक अ नैप, यू कैन रेस्ट जब आपने लॉन्ग राइड ली है। बट मुझे प्रॉन्स से एलर्जी है तो मैं प्रॉन्स नहीं खाने वाली हूँ, बट नारियल पानी बहुत मीठा है एंड फ्रेश है एंड यहीं से तोड़ा हुआ है। जैसे जैसे हमारी बोट लेक की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी, खूबसूरत नज़ारों को मैं चुपचाप एकटक निहारे जा रही थी। Mesmerized by beauty of the lake, I was altogether in a different world. तभी बाबूजी ने मेरा ध्यान खींचा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर, जो है वेम्बनाड लेक इज ऑल्सो द लोकेशन फॉर द वेरी फेमस नेहरू बोट रेस। व्हेन द इवेंट हैपेंस ही टोल्ड मी मोर देन 2 लाख पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कम टू सी दैट स्पेक्टेकुलर इवेंट। ऐसा लगता है मानो पूरी लेक एक सी ऑफ ह्यूमैनिटी में बदल गई है। बैक वाटर्स में और भी एक ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है विच इज़ कुटानाट और बिलो सी लेवल फार्मिंग ऑफ पैडी फील्ड्स। जितना सुंदर वेम्बनाड लेक और एलेपी का बोट राइड है, उतना ही एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पे जो राइस फार्मिंग होती है दैट इज़ बिलो सी लेवल,
हाउ डज इट वर्क? मतलब हम सी लेवल के नीचे हैं एंड यहाँ पे राइस फील्ड्स हैं, कैसे करते हैं ये? एक्चुअली जो मार्शी लैंड है उसको रिकैप्चर किया गया सी से, एंड यहाँ से सी वाटर को पंप के थ्रू वापस भेजते हैं सो दैट इसका लेवल पानी इधर से नहीं आता. वी कीप पुशिंग द वाटर ऑफ. एंड ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज एग्रीकल्चर सिस्टम है, जो दो ही हैं इंडिया में, एक है ये कुट्टानाड वाला और एक है नॉर्थ ईस्ट का पूरा वेट पैडी फील्ड्स वाला. सो दोनों पैडी से रिलेटेड हैं. एंड ये तो इंटरेस्टिंग तो है ही सिस्टम, सुंदर बहुत है. इधर लेक है एंड इधर पूरी राइस फील्ड ग्रीन. वेम्बनाड, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला एंड लॉन्गेस्ट इन इंडिया, के बगल में ही हैं ये राइस फील्ड्स. कुट्टानाड देखने के बाद हम जब वापस लौटने लगे तो बाबूजी ने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि दिल से मूवी का जिया जले सॉन्ग, उसकी शूटिंग भी यहीं हुई थी एंड ही प्लेड दैट सॉन्ग ऑन हिज फोन एज वेल फॉर मी. सो आई कुड नॉट रेजिस्ट डांसिंग इन सच ब्यूटिफुल सेटिंग. जर्नी अब खत्म हो रही है एंड हम वापस से जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे एक राउंड लेके पहुँच रहे हैं. सो बेसिकली वेम्बनाड लेक का ओपन एरिया आता है, बहुत सारे रूट्स हैं जिसमें आप जाते हो एंड वापस आ जाते हो एंड बीच में मज़े लेते हो लोकल लाइफ के, प्रॉन्स के, पैडी फील्ड्स के. ठंडी हवाएं तो चली रही हैं लेकिन अब हम ख़त्म होने वाली है जर्नी. नेक्स्ट डेस्टिनेशन बहुत ऑफ बीट लोकेशन है, आप सर्च करोगे एलएपी में तो वो नहीं आएगा, बट लेकिन वो बहुत ही सुंदर बीच है, उसका नाम है मरारी कुलम. सो वहाँ जाने वाले हैं हम नेक्स्ट एंड बाबूजी ने बहुत अच्छे से हमको घुमाया फिराया, तो उनको भी थैंक करते हैं एंड टाटा बाय बाय बोलते हैं एलएपी को फॉर नाउ. एंड इफ़ यू हैव टाइम आई हाईली रिकमेंड यू शुड टेक अ हाउस बोट एंड स्टे एक दिन इफ़ यू हैव टाइम. अभी मेरे पास थोड़े से टाइम की कमी है इसलिए जल्दी जल्दी हम भाग रहे हैं यहाँ से, बट इफ़ यू हैव टाइम हाउस बोट इज़ द प्लेस टू बी. यू कैन जस्ट रिलैक्स, रीड अ बुक, डांस, लिसन टू म्यूजिक एंड बी इन द लेक. सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ. वी प्लान्ड अ लंच एट एलेपी टाउन. इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, फ्रेश फिश is a must try in Alleppey. I chose Kerala traditional thali along with fresh fish, which was delicious. When you are in Kerala, local cuisine try karte. Dekhe matlab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and fish. 10 cheeze hai iske sath. Hame hotel Taj mein Alleppey mein. So whenever you are in Kerala, do try. If you are in Alleppey, you can also spend time on Alleppey Beach, which has a beautiful lighthouse. But I was running towards another unique location of Kerala, jo hai Alleppey town se sirf 15 km dur, but usual regular travel itinerary ka part nahi hota. Ye hai Mararikulam ka khoobsurat beach, jo Marari Beach ke naam se bhi jana jata hai. Dance with the waves, move with the sea, with the rhythm of the water, set your soul free. Far from maddening crowd and commercialization, this beach is blessing of nature to Mother Earth. If you have time,
you can easily stay for one night here. You have very interesting choices of homestays which are very economic. I didn't expect this place to have such pristine beauty, so I came here unprepared to go inside the sea, but the soft sand and the cool breezes were so inviting that I could not control myself. I had to go in. और लहरों से खेलने के बाद I had refreshing grape juice from the beachside pool cafe. So, मरारीकुलम के एक सुंदर से कैफे में मैं वेट कर रही हूँ अपनी वर्जन ऑफ वाइन का, जो है ग्रेप जूस, जो आया है अरेबिया से. तो केरला में आपको बहुत फ्रीली मिल जाता है, तो इफ़ यू डोंट वांट अ ड्रिंक यू कैन हैव अ ग्रेप जूस, वैसे ही फील के साथ बीच पे बैठ के. एंड कभी भी बीच पे किसी भी टाइम आप आते हो इंडियन ड्रेस पहन के मत आना. मतलब मैं होशियारी मार रही थी, मुझे लगा कि इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, 11 बजे मैं जा रही हूँ, कैसे मैं पानी के अंदर तो जाऊँगी नहीं, आई विल हैव अ वॉक, हैव अ लेमनेड एंड कम बैक. लेकिन जब आप पहुँचते हो बीच पे तो मुझसे तो अंदर जाए बिना रहा नहीं जाता है. एंड ऐसा होना भी चाहिए, बीच होते ही अंदर जाने के लिए हैं, यार देखने के लिए नहीं बने होते हैं बीच. सो टिप, ये ही इंपॉर्टेंट टिप है, ऑलवेज कैरी अ सेट ऑफ क्लोथ्स विच यू कैन चेंज टू एंड कम इन क्लोथ्स विच यू कैन गो इनसाइड वाटर इन. ठीक है, सो अभी के लिए ये. एंड बहुत ही अच्छा, एक और ब्रेकिंग न्यूज़, नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वर्कला, जो है वर्ल्ड का सेकेंड मोस्ट ब्यूटिफुल क्लिफ बीच. मतलब इंडिया का तो फर्स्ट ही हुआ. एंड वहाँ हम जाने वाले हैं. यहाँ से इसका डिस्टेंस है 120 या 130 किलोमीटर्स, इट विल टेक अराउंड 3-4 आवर्स. एंड हमारा प्लान है कि हम वहाँ पे सनसेट देखें एंड आपको भी दिखाएं. सो बाय बाय थिनलैंड. पर वर्कला जाने से पहले मैं सुनाती हूँ आपको एलेप्पी टाउन की कहानी प्रीवियस इवनिंग को, जब मैं पहुँची थी मुन्नार से एलेप्पी अराउंड 10 PM. एक ब्यूटिफुल सेटिंग दिखी मुझे जब मैं अपनी स्टे की तरफ जा रही थी. पता करने पे पता चला वहाँ पे कल्चरल टेम्पल फेस्टिवल चल रहा था. दियों से सजा हुआ मंदिर बहुत ही खूबसूरत और मेस्पराइजिंग था, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग था वहाँ चल रहा कल्चरल फेस्टिवल. इतने मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट वहाँ गा रहे थे, डांस कर रहे थे और एक आर्टिस्ट तो गरुण भी बने हुए थे. उनकी इस तन्मयता भरी जोशीली भक्ति ने मानो मेरी दिन भर की थकान मिटा दी एंड आई बिकेम अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर एट दैट मोमेंट. एंड दिस इज व्हाट केरला इज, इट विल नेवर स्टॉप सरप्राइजिंग यू, इट विल नेवर स्टॉप ब्रिंगिंग न्यू चेरिशेबल मोमेंट्स फॉर यू व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड. Varkala is actually the only place in southern Kerala where cliffs are found adjacent to the Arabian Sea. इस जगह की खूबसूरती मैं अपनी नजरों और कैमरे से जितना कैप्चर कर सकती हूँ वो दिखा रही हूँ, बट आई विल सजेस्ट यू नीड टू हैव दिस एक्सपीरियंस ऑन योर ओन.